ओके गाइस, इसका क्रॉस करा रहे हैं हम लोग। क्रॉस किसके साथ करा रहे हैं? रेसेसिव, रेसेसिव पेरेंट्स के साथ। तो रेसेसिव पेरेंट्स क्या है? कैपिटल स्मॉल टी गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोजेनेसिस से जो गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। गाइस याद रखिएगा, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉसिंग टेक्निक। ओके, अब इनका क्रॉस करते हैं। तो ये जो होगा कैपिटल टी क्रॉस करेगा, क्रॉस तो ऐसे हो रहा है, तो कैपिटल टी क्रॉस करेगा इसके साथ, तो क्या बन रहा है? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये बन जाएगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ओके गाइस, नेक्स्ट बनेगा, इसी का क्रॉस करेंगे हम लोग इसके साथ, तो अब यहां पे हो जाएगा ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ओके गाइस, नेक्स्ट लेवल, स्मॉल टी विथ स्मॉल टी एंड स्मॉल टी विथ स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो गाइस ये है आपका टेस्ट क्रॉस, जो बेसिकली हम लोग अभी बना चुके हैं। ओके, कि इसमें से एक F1 जनरेशन का ऑफस्प्रिंग को उसके ही पेरेंट्स लेवल के रिसेसिव के साथ क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। तो ये हो गया गाइस टेस्ट क्रॉस का। अब रिजल्ट का फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें से अगर मैं फिनोटाइप रेशियो निकालूं, फिनोटाइप और जीनोटाइप, फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो कुछ ऐसा होगा गाइस। यहाँ पे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इम्प्योर है, टॉल है, इम्प्योर टॉल होगा, बट कैसा है? मिक्सिंग कंडीशन है, यानी दोनों के दोनों क्या दिखेंगे? लंबे दिखेंगे, और ये दोनों के दोनों क्या दिखेंगे? पूरी तरह से प्योर ड्रॉप दिखेंगे। ओके, तो फिनोटाइपली टोटली सेम दिख रहे हैं, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा गाइस? 2:2। ओके, जीनोटाइप के लिए देखें तो जीनोटाइप भी दोनों का सेम ही है, तो इनका रेशियो क्या होगा गाइस? 2:2 या 2:2। अगर मैं इसको बेसिकली फ्रैक्शन में बोलूं तो 1:1, चांसेस क्या रहेंगे? 50-50, या तो लंबे होंगे या तो क्या होंगे? छोटे होंगे, बौने होंगे। ओके गाइस, ओके, तो ये तो होता आपका टेस्ट क्रॉस का। अब हम लोग चलते हैं बैक क्रॉस में, कि बैक क्रॉस में कैसे कैसे होगा। तो बैक क्रॉस में कुछ नहीं है, यहीं पर मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। बैक क्रॉस में स्पेशली ये जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन, उसमें से किसी भी का अगर हम लोग F1 जनरेशन का क्रॉस किसके साथ कराएंगे गाइस? डोमिनेंस, उसके पेरेंट्स के साथ, और वो भी पेरेंट्स में क्या? डोमिनेंस और रेसेसिव, कोई भी हो सकता है। तो इन दोनों के साथ जब क्रॉस होता है तो उसको बोलते हैं गाइस जनरली बैक क्रॉस। क्या बोलेंगे उसको? बैक क्रॉस, बैक क्रॉस। तो इसका भी क्या होगा? जो बेसिकली फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो होता है वो सेम ही होता है। ओके गाइस, तो ये F1 जनरेशन और F2 जनरेशन का क्रॉस होता है। आप इसका बेसिकली डेफिनेशन बोल सकते हैं, क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल्स विथ रेसेसिव और डोमिनेंस पेरेंट्स इज कॉल्ड बैक क्रॉस, इज कॉल्ड बैक क्रॉस। ओके गाइस, तो ये हो गया क्रॉस का। अब अगर आप चाहें तो ये ऐसे ही हम लोग एक सिमिलरिटी शो कर सकते हैं। रेसेसिव का तो हमें पता है, एक बार डोमिनेंस का करके देखते हैं। अगर मैं डोमिनेंस का करूं तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ, डोमिनेंस के साथ कर रहा हूँ तो क्या होगा गाइस? कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब क्रॉस मैं इजीली कर रहा हूँ, डायरेक्ट गैमेटोजेनेसिस बन गया, क्रॉस कर देते हैं गैमेटोजेनेसिस में, तो ये हो जाएगा बेसिकली कैपिटल टी, कैपिटल टी। नेक्स्ट हो जाएगा क्रॉस, नेक्स्ट क्रॉस कर लेंगे तो यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा, दैट इज कैपिटल टी, कैपिटल टी एंड नेक्स्ट कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कर दें तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड अगर इसका क्रॉस हम लोग कर दें इसके साथ तो दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी।
फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो लेंगे गाइस, तो ऑल जितने भी दिख रहे हैं अगर फिनोटाइप के लिए देखें तो फिनोटाइप के लिए जितने भी होंगे वो क्या होंगे, टॉल होंगे। यानी फिनोटाइप के लिए जितने भी हैं वो सब क्या है, टॉल। इतने ये होंगे प्योर टॉल और ये होंगे इम्प्योर टॉल, बट होंगे फिनोटाइप के लिए क्या, टॉल। अगर जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में ये दोनों सेम है यानी 2:2, और ये दोनों क्या है, डिफरेंट है 2, यानी फ्रैक्शन में आ जाएगा 1:1। तो ये है गाइस आपका बेसिकली इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बैक क्रॉस में लेवल चेंज हो जाता है डोमिनेंस के साथ, वहाँ पे फिनोटाइप रेशियो बेसिकली जितने भी होते हैं एक यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन आता है, और बैक क्रॉस में क्या होती है जनरली आपका जो अगर डोमिनेंट के साथ दे तो जीनोटाइप रेशियो कम होता है। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही।